को देखकर शायद आप लोगों के दिमाग में कुछ इवेंट्स आ रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेमाइन इन बंगाल इन 1770। दुनिया की किसी भी कोने में कहीं पर फेमाइन होता है तो उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फेमाइन होता है या फेमाइन से फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले फेमाइन क्यों होगा, स्कार्सिटी ऑफ फूड क्यों होगा, आइए जानते हैं। क्योंकि किसी भी क्रॉप का फेल होना या ड्राउट बढ़ जाना, या क्रॉप तो है लेकिन पॉपुलेशन का इतना बढ़ना कि फूड का कमी होना, या किसी देश या दो से ज़्यादा देशों का जंग होना, या तो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी होना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फेल होना डिलिब्रेटली उन पर गवर्नमेंट या कॉलोनियल रूलर्स गलत पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंट करना जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ जाता है, स्टार्वेशन होगा और अल्टीमेटली डेथ ऑफ पीपल होगा। सो अगर 1770 की बात की जाए तब तो इंडिया में ब्रिटिश का रूल था। उनमें कई सालों तक रूल की है, बहुत गलत अंदाज में लोगों का फ़ायदा उठाया। तो ये बंगाल फेमाइन जो है ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, पार्ट ऑफ आसाम, उड़ीसा, बिहार और उत्तराखंड के कुछ पार्ट में आए और डिफरेंट ईयर्स में आए, और जो लास्ट ईयर में आया वो 1943 में आया। सो बंगाल फेमाइन मेनली वेदर या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिलिब्रेटली इम्पोस्ट करने की वजह से है। सो मेनली जो 1943 का बंगाल फेमाइन है उसमें राइस क्रॉप का फेलियर के बारे में कहा जाता है, जिसमें कुछ फंगल हेल्मिंथोस्पोरियम ओरेसी डिजीज़ आया था जिसने पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर बात 1770 की तरफ चली जाए तो उससे पहले तो मोगल का रूल्स था, तब तो सही चल रहा था, लेकिन जब ब्रिटिश आई, ब्रिटिश का इंसर्शन हुआ धीरे धीरे, तब अपने पॉलिसीज चेंज किया, जो भी टैक्सेस था उसको बढ़ा लिया, और लास्ट में जो 1765 था तब ट्रेटी ऑफ अहलाबाद की एक पॉलिसी लाई जिसमें उनको 50-60% अपने क्रॉप पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। और क्रॉप फेलियर की वजह से और अपनी चॉइस का फूड नहीं बल्कि ब्रिटिश की चॉइस का उगाना पड़ता था, या तो मार्केट वैल्यू जिन क्रॉप पे ज़्यादा था, ओपियम, पॉपी जिनका भी, वो उगाना पड़ता था बजाबते कि इनको कल्टिवेबल फूड क्रॉप्स ग्रीन राइस नहीं बल्कि ब्रिटिश की चाहत के उगाने पड़ते थे। तो जिसकी वजह से इतनी डेथ हुई, डिजीज़ इंसर्शन हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बंगाल फेमाइन।